अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मुशायरे में खुश आमदीद। मेरे साथ शोरा कराम फरीद चंगड़वी, मिठा लांतवी और फैसल बगैरतवी और सोनी कमियाबादी। वाह वाह माशाल्लाह, चारों शोरा कराम हर किस्म के तारफ़ के मोहताज हैं। और भाई दूर दूर से खलकत जो है, मतलब नज़दीक से दूर से, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी नगरी, कोई ऐसा देश, कोई ऐसा पंडाल नहीं है जहां पे इनके चर्चे हों या कोई इनको जानता हो। मशहूर व मारूफ ना होने के साथ साथ ये बहुत आला और उम्दा पाए के शायर भी नहीं हैं, लेकिन आप देखते जाइएगा कि इन ये शोहरत आफाक की बुलंदियों से कैसे नीचे गिरते हैं। अभी सबसे पहले मैं दावत देता हूँ हमारे जो मोस्ट आप लोगों के पसंदीदा शायर हैं, जिन्हें आपने बहुत इज्जत से नवाजना है मेरे कहने पे, वो फरीद साबरी साहब। फरीद साबरी साहब, फरीद साबरी साहब के लिए एक क्लैप होनी चाहिए। सबसे पहले फरीद साबरी साहब। हजूर, आपने कहा था कि आपके पसंदीदा शायर, तो वो मैं ही हूँ सर। नहीं नहीं, सबके हर दिल अजीज मियाँ जी। बहुत शुक्रिया जनाब सदर, आपने मुझे मधु किया यहाँ पे इस इतने बड़े। अच्छा, ये जो होती है ना बातें, ये बहुत पुराना दौर हो गया। अभी टाइम बहुत कम है, 15-20 मिनट का शो होता है, चार शोरा कराम है। सदर महफिल ये शवाले उल्फत में मोहतरमे इल्फत कहाँ कहना होता है। आप जो लेके आए हैं वो पेश करें जनाब सदर। ये सरासर आप ज्यादती कर रहे हैं, ये आप सरासर टाइम जया कर रहे हैं। अगर आप टाइम जया करेंगे तो फिर मुझे आमद मजीद होती है। क्यों जी जनाब सदर, आपको क्या हुआ है भाई? मैं खुदा ना खास्ता, मतलब क्या मैं आपको अब कुछ शैम्पू नहीं आपके इलाके में कहीं मिलता, कुछ साबुन नहीं आपके महल्ले में? ये मैंने हैप्पी हेयर शैम्पू से दो। बकवास ना कर, मैं प्रोग्राम बंद करके चपेड़ा मार लिया मुंह से मेरे शैम्पू नु। हैप्पी हेयर ये है, ये देखो, ये अभी नहा के आया हूँ। दरअसल मुसलसल मुशायरे करने से काम इतना ज्यादा। क्या मुसलसल मतलब? मुशायरे ज्यादा है ना, मैं दुबई, यूनान, युगंडा, फ्रांस, ईरान, सारी जगह मुशायरे करो, कपड़े चेंज करने का टाइम। इसे सूट जी, इसी सूट में जी, इसी सूट ते सदरे महफिल होने नहीं टाइम जाया हो रहा। नहीं, मैंने देखा उनको एक तरफ तो मुझे लगा कि ये देखो ना, मतलब सबसे पहले मैं अपना आगाज कलाम किताब लड्डू खट्टे। हाँ, लड्डू खट्टे, वाह, लड्डू खट्टे में। अच्छा, ये आपकी है जी, जी। ओ हो 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 हो, लड्डू खट्टे वाली इनकी है, खट्टू लड्डे शुमार। वाह वाह, वो खट्टू लड्डे इनकी है। हाँ जी, वो इनकी है। हाँ इनकी है। वाह यार, वाह वाह, लड्डू खट्टे वाली नाजरीन जो मशहूर और मरूफ किताब है वो इनकी है। वाह वाह, ओ भाई सदरे महफिल कल ते हले छपण दई है ते ओदे ते इन्ना रोला, यो इनकी है पब्लिसिटी। यार मैं कर रहा हूं ना, आप देखे, मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा बिके। यार वेरी गुड यार, छपी कल है और शोहरत उसकी 2 साल पुरानी है। हाँ जी, क्या? हाँ हाँ, शेरर्स किया है आपकी नजर है जी जी। बेकरा रात के सन्नाटे, बेकरा रात के सन्नाटे, बेकरा रात के सन्नाटे, तेरे बिस्तर पर मेरी जान कभी। हाँ हाँ हाँ, वाह। बेकरा रात के सन्नाटे, तेरे बिस्तर पर मेरी जान कभी, जज्बाए शौक से डबल सिम मेरी रिफते तला तुम है। वाह। और लज्जत की गिरा बारी से जहने बन जाता है और दलदल किसी वेराने की, और कहीं इसके करीब नींद आगाज जमस्तान के परिंदे की तरह। वाह वाह वाह, आप चौकीदार हैं? नहीं जी, मैं मल्लेदार जनाब, मैं शायर। आपने जो पहना हुआ है आप, ये मैंने कहा शायद आप चौकीदार है, पठान होते हैं ऐसे दरवाजों के बाहर खड़े। सर तुम्हें पता मैं कितों है? कितों है जी, तुम पूछे ही नहीं। मैं बाद में पूछता हूँ। खौफ दिल में किसी महूम शिकारी का लिए, अपने पर तोलती चीखती बेकरा रात के सन्नाटे। वाह वाह वाह, बेकरा रात के सन्नाटे में क्या कहने, क्या कहने। तेरे बिस्तर पर मेरी जान आरजुएं, तेरे सीने के कोहस्तान के जुल्मत के सितम के हबशी की तरह रींगती हैं। क्या कहने, क्या कहने। हबशी की तरह रींगती है, एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आता है मेरी असम्बली जहान में, बल्कि साहले समुंदर के शहर के दोशीजा तुर्क मामलात में, वो मुल्क के दुश्मन सिपाही का कहना। वाह, वो मुल्क के दुश्मन सिपाही का कहना, मुल्क के दुश्मन के जरा रूह अफजा भी पिलाओ के वो अब सुबक रहा है मेरी जान को, जरा रूह अफजा भी पिलाओ के वो अब सुबक रहा है। सुबक, सुबक कमाल आपने यूज किया है। सुबक रहा है मेरी जान को, बेपना ऐश के हिजान का अरमान लेकर, अपने दस्ते से कई रोज मफरूर हूं मैं तेरे बेपना सन्नाटे। वाह वाह,
आप ऐसा करें, आप इस किताब का नाम चेंज करें। क्या? पहले क्या है? लड्डू खट्टे। अब रखें दिल खट्टे करने वाले। आहा बाबा, ये रखा जी दगड़ मगड़। हाँ जी, दगड़ मगड़। आप जरा एक मिनट देखिए, आप बाइज्जते जिल्लत हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ जी। ये किसने दिल पर दस्तक दी? वाह वाह, अरे ये आपका शेर है जी मेरा। वाह 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 वाह। ये किसने दिल पे दस्तक दी? ये किसने दिल पर दस्तक दी? ये दिल पर कौन है? मुझे दाद ना देने वाला बहुत बड़ा फिरौन है। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह 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 वाह। मुझे दाद ना देने वाला बहुत बड़ा फिरौन है, और जब हसीनों की बात चलती है। वाह वाह वाह, जब हसीनों की बात चलती है। ये मेरे मतलब का शेर है जी, जब हसीनों की बात चलती है। जब बहुत खूबसूरत शेर है ये, बहुत शुक्रिया। जब हसीनों की बात चलती है सबसे हम टॉप लगते हैं। टॉप मतलब यानी टॉप। अच्छा टॉप, टॉप पे। हाँ जी। ओके ओके, वाह वाह, इंग्लिश भी डाल ली। हाँ जी, क्या कहने, क्या बहुत टॉप के लोग हैं। जब हसीनों की बात चलती है सबसे हम टॉप लगते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वाह वाह, ये लड्डू खटिया वाले की ये है जी? जी उसी किताब, उसी में से है। तुम्हारे जैसे लुच्चे यार, ये आप मेरे शोरा कराम की आप इंसल्ट नहीं करनी। मैं की कह देता हूं, आप तुम्हें लुच्चे क्या कह रहे हैं आप? ये कौन सी लड्डू खटिया वाली किताब है जिसमें लुच्चे लफ्ज आता है? कौन सी शायरी है जिसमें लुच्चे आता है, लफ्ज आता है? मेरी शायरी आपको बुला लेते हैं हमेशा, आप जलील करते हैं। तुम्हारे जैसे लुच्चे हमारे आगे फ्लॉप लगते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अच्छा ये आप उधर क्यों कर रहे हैं, आप इधर आगे कहें, कैमरे में कहें, लोगों को दिखाएं। मैं इस शायर को, ये जो शायर मेरे पास बैठा। अच्छा चले चले, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं जी, ठीक है। और मैंने आगे एक और नज़म लिखी है, उसका उनवान है पखा चलदा हवा देना। पखा चलदा हवा देना, पखा चलदा पंजाबी की नज़म है। हाँ जी हाँ, वाह वाह। पखा चलदा हवा देना, पखा चलदा हवा देना। वो जो दिल को कबूल होते हैं, वो जो दिल को कबूल होते हैं, उनके पत्थर भी फूल होते हैं। अरे वो जो दिल को कबूल होते हैं, खुले आप, वो जो दिल को कबूल होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हैं। जो भी देते नहीं है दाद फरीद ऐसे। अच्छा यार एक मिनट, इधर आ इधर आ। ये जब शुरू हुआ है तो आपने कहा था ये पंजाबी का है, तो ये तो उर्दू है सारी। ये तो सारी उर्दू है। धोखा दही से शायर कर रही, शायरी कर रहे हैं आप? नहीं, वो आपने पहले कहा जी, एक मेरा क्या नाम बताया था, लड्डू खट्टे। नहीं नहीं, जो आपने नज़म का उनवान बताया है, पखा चलदा हवा देंदा, पखा चलदा हवा देंदा, ये तो पंजाबी है, आगे आपने उर्दू शुरू कर दी है। आपने बेवकूफ समझा हुआ है हमें, मुनाफिक शायर है आप। कहते कुछ है सुनाते कुछ है कहते कुछ है। शायर बुला के अगले बदर पिस्त कर। चले आप जाकर, पंजाबी का है तो पंजाबी सुनाए, नहीं तो फिर उर्दू कहे। ये एक शेर मैं सुनाऊंगा क्योंकि ये शेर जरूरी है जी। वो जो दिल को कबूल होते हैं उनके पत्थर भी फूल होते हाँ, हैं। ये अच्छा है। जो भी देते नहीं है दाद फरीद ऐसे बंदे फजूल होते हैं। बाबा नहीं है ऐसी, नहीं फजूल ही है। चलो निकलो, निकलो असी हैं। चलो तेरे कहना सी कोड़ा कहना पी हुंदा। चलो अज दा दिन मेरी ईद दा दिन, पंजाबी पंजाबी ओके। अज दा दिन मेरी ईद दा दिन में देने, शाम दा सूरज घुंगरू किंगरी, वड्डा पखा छोटी लाची। वड्डा पखा छोटी लाची, याद तरी दा वैपर विंगा, हिजर करोड़ी कत्तर कासी। हिजर ये थे फरीद साहब री साहब। माजरत ओ यार, माजरत नहीं यार, एक मिनट तेन शोरा कराम यार। ओना ना यार मेरा भले कलाम पूरा मैं नहीं माड़ा जे तुसी इशारा करना मैं धरू लेना पिछे नु सारा इशारा कर जी। आखिरी शेर है फिर इसका। चलो जी, हिजर करोड़ी कत्तर कासी, गोडा भारा छाबी थल्ले, हीटर पाटा सुजिया कूलर, हीटर पाटा सुजिया कूलर, या तेरी दियां मिठियां देगा, हुसन मसाला गरम समोसे, टिड्डी चौरस पींगा उचियां, मीसनी माई डिंगा वच्छा। मीसनी माई डिंगा वच्छा, सारा कुछ मैं कदमा दे विच रख के बिल्कुल मारनी आ, हुण आजा TCS थानी, मैं गुत्थम गुत्था हो गई आ। मैं गुत्थम गुत्था हो गई आ, ते होक बलोची जिनो जैनवर चार्जर, होक बलोची जैनवर चार्जर, नैन नमाने जिंगर बर्गर याद आई, दस दा की मैं किन्ने हारे जुए विच, मैं फुल पराठा आतशबाजी।
मैं फुल पराठा आतिशबाजी सिंगल कोक सिर्फ उदासी हिंजू तारे बणबण आउंदे याद करा मैं पेमटा नू जे हुण नहीं आना ते ना आवी असेंबली टुट गई वे सजना असेंबली टुट गई वे खिचला खिचला मिठा चंगड़ भी साहब आ जी आज 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 वाह जी वाह मिठा साहब आज आज चलिए चले आप उधर हो जरा मिठे की जगह पे हो जाए आप जी अरे क्या कहने वाह जिमनास्टिक शायर मबलैल देख किधर चल गया मबलैल आप पीछे छोड़ा है यार आप कम से कम नहा के ही आ जाते आप शोरा शोरा कराम तुसी साडा भी ध्यान पवांदे यार नहीं देखो ये तड़मुक्के चूसू आ रहे हैं इधर से काफी बुल्ले आ रहे हैं बड़े बड़े मुझे आप पहले बता देते कि आपको इलायची की खुशबू अच्छी इलायची की खुशबू मुझे अच्छी लगती है लेकिन मुझे सदरे महफल दे चिचड़ वेखो किन्ने लगे यार वो मैं अब क्या क्या देखूं उसका सदरे महफल 21 मिनट हो गए मैं सार रोक के बैठा है वो मुझसे मोहब्बत का सिला मांग रही है आह ये होता है कि ये जो मैं आपको बताऊं जो जेन्युइन शायर होते हैं ना जो असल शायर होते हैं ना सच्ची मुची वाले यानी कि मैं नहीं नहीं जो जो जिन जिनको अल्हाम होता है जैसे सागर सिद्दीकी साहब थे राशिद आरफ साहब थे वो उनके तकरीबन उनको वो अपने आज़ाद होते हैं इन चीज़ों से वो इसी तरह उनका उलिया होता है दरवेश लोग होते हैं वो ठीक है लेकिन आप उनको कॉपी करके आप बने हुए हैं लेकिन आपके शेर ने बताया कि क्या कहने क्या था क्या था वो मुझसे मोहब्बत का सिला मांग रही है अच्छा दिन रात मेरे दिल में झांक रही है वाह मैंने सारी शिकायत लगा दी उसके अब्बे को अच्छा उधर कैमरा लगा है वो नादरीन वो है सामने मैंने सारी शिकायत लगा दी उसके अब्बे को अब सुबह शाम उसकी कांपे टांग रही है वाह 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 वा। ये कांपे टांग आपने चोरी किया किसी शायर का तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है आज मैं उदरू में भी आऊंगा वाह वाह क्या कहने तदबीर का खोटा खोटा है मुकद्दर से लड़ा है वाह लोग कहते हैं कि चलाक बड़ा है वाह खुद तो है 20 बरस का दुल्हन ले आया 70 बरस की हाँ गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है वाह रे वाह की हो गया वाह रे वाह क्या कहने क्या कहने निमा निमा हसवे मिठिया निमा निमा हसवे मिठिया जी हाँ मैनू एक गल दस वे मिठिया हाँ पुछ हाँ पुछ निमा निमा पुछ वे मिठिया मैनू एक गल हस वे मिठिया निमा निमा हस वे मिठिया नाले एक गल दस वे मिठिया हाँ एक गल दस वे मिठिया अखियां कोल वस वे मिठिया हाय एदा नहीं है ना मतलब एदा दा अखियां दे कोल नहीं एदा दा बाहर किते मखियां दे कोल अल्लाह माफी देवे वेख ते सही शायर जे हाँ वे की कौन कौन आ गया तेरे नाल अल्लाह माफी देवे ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਮਰੇ ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਆ ਮੈਂ ਭੂਣ ਭਟੱਕੜ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਸਦਰੇ ਮਹਿਫਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਓ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਸਮੇ ਪਟਾਸ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਏ ਦੇਖੋ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਉੱਡਣ ਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਕਸਮੇ ਆ ਗਈ ਸਦਰੇ ਮਹਿਫਲ ਅਗੇ ਦਾਤ ਦੇਣ ਡੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਤੂੜੀ ਨਿਕਲਣ ਡਈ ਏ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਸਦਰੇ ਮਹਿਫਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 26 27 ਦੇ ਨਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਤੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸੇ ਇਹ 26 27 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ चलो खैर वैसे सिर च पता नहीं किसने जुत्ती झाड़ी या इन्नी टूस्ट मक्का नहीं नहीं किसी भी दुनिया के बंदे की जुत्ती नूं इन्ना गंद नहीं लगा हुंदा नहीं यार बैठे आप तो आप क्यों हमें मौका देते आप नहा के ही आ जाते नहा के आ जाता ये मुशायरे के बाद मैंने आपको खुद नहलाना अंदर जा 26 27 बहुत होंगे 26 27 दिन वाला तो ये होता है ना ये देखो 26 27 दिन हो सदरे महफिल हजे भी झग गूंजदी उंज होनी है जिहड़ी मैं झड़ के आया वाशरूम च हां मैं नहा के आया अच्छा सदरे महफिल एक जाम और एक मैखाना चाहता हूँ अच्छा एक जाम और एक मैखाना चाहता हूँ जी इधर आओ तुसी कोई पंकज दास दे रीमे ते नहीं आए समझ आई पिछे मेरे मुंडा लाके अब्बे कोलो छित्र खाके हाँ आई ते होनी चसवे मिठिया हाँ एक गल मैनू दसवे मिठिया अरे वाह क्या कहने क्या कहने थैंक यू अगे कहता जी पूरा मोहल्ला सिफतां करदा वाह वो अपनी कह रही है पूरा
पूरा मोहल्ला सिफता करता एक एक मुंडा मेते मरता ये वो कह रही है। हाँ जी वो मैनू ना डीग्रेड कर रही है। अच्छा तेनू डीग्रेड कर रही है। अच्छा पूरा मोहल्ला सिफता करता एक एक मुंडा मेते मरता है तेरी जुबान च ये रसवे मिठिया मैनू एक गल दस दस में। अच्छा ये तेनू वो कह रही है तेरी जड़ी गलत फ्रेंड गर्लफ्रेंड। अच्छा ओके फ्रूट चाट एक समोसा लैता फ्रूट चाट एक समोसा लैता नाले तू मैनू जानू कहता नाले तू मैनू जानू कहता वाह 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 एनी गल च गई आ मैं फसवे मिठिया हां हां एदी गल मैनू दसवे मिठिया हां हां थैंक यू वाह रे वाह तेरी मेरी बस वे मिठिया हां दोस्ती एथे खलास वे मिठिया अरे क्या कहने लगा क्या खलास डाला खलास आहा हां दोस्ती इतने खलास वे मिठिया वाह खलास वे मिठिया खलास वे मिठिया मैनू ए गल दस वे मिठिया क्या कहने मेरी ਮੋਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਥੌੜਾ ਥੌੜਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੁਝਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਰੇ ਅੱਛਾ ਰੇ ਆ ਵੋ ਸਭ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਮੁਝ ਪੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਰੇ ਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਰੇ ਇਹ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੇ ਇਹ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੇ ਅੱਛਾ ਉਸਕੀ ਗਲੀ ਮੇ ਆਨੇ ਜਾਣੇ ਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥਕਤਾ ਰੇ उसकी गली में आने जाने से मैं नहीं थकता रे उसका बाप मुझको देख के गालियां बकता रे रे आ वाह पर उसकी सारी गालियां सुन के यही कहता रे क्या इधर नहीं लगता रे इधर नहीं लगता रे ऐ मेरी अगली किताब है जी इन पीछे रख लो केड़ी जी शुआरा शुआरा जी अच्छा माशाल्लाह ਗਰਮ ਕਿਤਾਬ ਸਦਰੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹਰੀਆਂ ਮਰਚਾਂ ਵੀ ਉੱਗੀਆਂ ਵੇਖੋ ਆ ਵੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਯਾਰ ਖੈਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਨਾ ਸ਼ੁਆਰਾ ਉਸ ਮੇਂ ਸੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਕੋ ਹਿਜਰ ਕਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸ਼ੁਆਰੇ ਮੇਂ ਸੇ ਜੀ ਸ਼ੁਆਰੇ ਮੇਂ ਸੇ ਹਿਜਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਹਿਜਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਕੋ ਛੋੜ ਦਿਆ ਔਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਪੇ ਮੈਨੇ ਅੱਛਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਪੇ ਅੱਛਾ ਓ ਹੋ ਹੋ ਔਰ ਆਪ ਕੌਣ ਇਹ ਲੜਕੇ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸੁਣਾਏਂਗੇ ਆਪ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸਰਦੇ ਮਹਿਫਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਓ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਓ ਜੇ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਿਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਈਆ ਤੇ ਪਈ ਆ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲੈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਸੁਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਪੈ ਜੇ ਆ ਹਾ ਹਾ ਉੱਥੇ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜੇ ਹਾਂ ਅਰੇ ਕਿਆ ਕਹਨੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਪੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਹੈਲੋ ਚੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਮੈਂ ਮਾਰੂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਾਤਾ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੁਛ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੋ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮਰ ਗਈ ਹੁਣ ਮਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਨਾਫਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਗਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ਾਰੇ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚੁੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਓਏ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਇਧਰ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਚੱਲ ਓਏ ਲੋ ਜੀ ਆਪ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਲੈਪ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆਓ ਜੀ ਸਦਰ ਮਹਿਫਲ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਲਾਂ ਚ ਖਾਲੀ ਜੂਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਦਿਖਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਕਰੋ ਜਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮਸਾਬ ਨਾ ਲੋ ਜਲਸਾ ਲੋ ਜੀ ਮਸ਼ਾਇਰੇ ਕੋ ਅੱਗੇ ਬੜਾਤੇ ਹਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਕੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਦਰੇ ਮਹਿਫਲ ਆ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਆਇਆ ਵੇ ਅੱਛਾ ਰਿਐਕਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਵੇਖਿਆ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੈਨੇ ਅਭੀ ਦੇਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਸਰ ਪਿਛਲਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੇਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥਾ ਯਾਰ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੋੜ ਦੇ ਆਪ ਨਿਆ ਆਪ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰੇ ਯਾਰ ਨਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਪੂਰਾ ਚਲੇ ਉਸਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਚ मेरा ख्याल आपने ये लिखा है कि उसने मारी है मेरे सिर विच इट हाँ। मेरा ख्याल आपने ये लिखा है हाँ।
उसने मारी है मेरे सिर विच इट। सिर विच इट नहीं, सिर विच इट। चले आप उसने मारी है कह, आगे मैं कह देता हूँ। महफिल एक बार मार के देख ली। खैर जो आप सिर्फ आधा कहें, आगे मैं कहता हूँ। जी 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 सॉरी जी, उसने मारी है मेरे सिर विच इट। वाह 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 वाह, उसने मारी है कहना आपने, बस आगे मैं कहूंगा। दोबारा चलो, उसने मारी है मेरे सिर विच इट। ओ शिट। अच्छा इधरली पौना घंटा हो गया खपाउन ने एंड ए सी। नहीं आगे भी है सर, हमने कहा उसे लव यू। हाँ हाँ, हमने कहा उसे लव यू, उसने कहा दूर फिट। ओ शिट। हम खेलने गए क्रिकेट, उन्होंने कहा पहन के आओ पहले किट। ओ शिट। और शुरू होने से पहले खत्म हो गया मेरा शो। ओ शो। सारी दुनिया मेरी दुश्मन, दुश्मन मैं तेरी तू नागन मैं सपेरा। सारी दुनिया मेरी दुश्मन मगर तुम हो मेरे दोस्त। ओशो। जरूरी नहीं कि सिर्फ आपका कुत्ता ही वफादार निकले। ओए ले ले ले, वाह बड़का मारना। जरूरी नहीं कि आपका कुत्ता ही वफादार निकले, कभी कभी आपका वफादार भी कुत्ता निकलता है। अरे वाह 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 वाह, कभी कभी आपका वफादार भी कुत्ता। अच्छा जरा वो करिएगा रिपीट, रिपीट को क्या कहते हैं शोरे कराम, मुकर्रर 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 कराम, रिप्लाई मुकर्रर कराम करना। जरूरी नहीं कि आपका कुत्ता ही वफादार निकले। हाँ समझने वाली बात है, जरूरी नहीं कि आपका कुत्ता ही वफादार निकले, कभी कभी आपका वफादार भी कुत्ता निकल आता है। अरे क्या कहने, कभी कभी आपका वफादार भी कुत्ता निकल आता है। फैसल मेरी बात सुनना, शेयर करया कर, जिहड़ा चला गया छड़ के उनू उनू ना ओदा ना जिंदे रखेगा, वह चला गया बस, वह बहुत ठीक, अल्लाह का शुक्र आ, ओदा काम भी ठीक आ माशाल्लाह, वह बहुत ओदा ना जिक। हाँ छड़ दे, अग होर को गल कर, कुत्ता निकल आता है। ओ शिट। ओ खला खलन ते किथे लै गए शिट नू सर, मैं मुकम्मल इत्थे ही हुंदा सी फिर पर्दा तो होता है होश वालों से। अच्छा पर्दा नहीं होता, पर्दा होता है, अड़े नहीं डालते। पर्दा तो होता है होश वालों से, पर्दा तो होता है होश वालों से, बेनकाब चले आओ मैं नशे में हूं। डिकम डिकम डोयाडू, डिकम डिकम डोयाडू। ठीक है ठीक है, इतना चौके रख दो। और उसकी नाराजगी का तरीका है बहुत आला, उसकी नाराजगी का तरीका है बहुत बहुत आला। पप्पू कैन डांस साला, पप्पू कैन डांस साला। बहुत जानवर है दुनिया में, बहुत जानवर है दुनिया में, मगर पसंद है मकड़ी का जाला, पप्पू का एंड डांस साला, पप्पू का एंड डांस साला। थे हम भी कितने नदा के तूफान में गिर गए, पुलेखे से हमने एक लहर को संभाला, पप्पू का एंड डांस साला संभाला। उलाला 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 उलाला, इथे इथे बदल लिया ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲੱਤ ਲਈ ਜਾਣ ਡੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੋਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀਓ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕੇ ਆ ਭਾਈ ਅਭੀ ਹੈ ਅਭੀ ਸਰ ਦੇ ਮਹਿਫਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੂਸ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਜੂਸ ਚਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਚਲੋ। ਸਦਰ ਮਹਿਫਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਨੇ ਆਪ ਕਲਾਮ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਾਉ ਵੀ। ਓ ਹੋ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਗਿਰ ਗਿਆ सोने का भाव भी, सोने का भाव भी। एक शाम उसने कान से झुमका उतारा था। कैसा जबरदस्त, सुन शोरे कराम सुन। ठीक है जल टू। फिर उसके बाद गिर गया सोने का भाव भी, एक शाम उसने कान से झुमका उतारा था। खबरदार मेरी इज्जत को इतना ना उछालो, लुडी है जमालो पाओ, लुडी है जमालो। लानत तेरे जिंदगी ते, तेरे शायर ते लानत। इतने से मजाक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हमारी ऑडियंस क्या बेवकूफ है? ये कोई शेर है, लुडी है जमालो
ਕਿੱਥੇ ਝੁਮਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਡੀਏ ਜਮਾਲੋ ਆਹੋ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁੱਡੀਏ ਚ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਸੰਭਾਲੋ ਲੁੱਡੀਏ ਚ ਸੰਭਾਲੋ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਜ਼ਾਰ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਚੈਨੀ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਤਨਹਾਈ ਉਦਾਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਵਾਹ ਇਹ ਹੋਤੀ ਬਾਤ ਐਸੇ ਐਸੇ ਬੇਚੈਨੀ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਤਨਹਾਈ ਉਦਾਸੀ 81, 82, 84 और गिनती से बचपन याद आ गया हाँ 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 वाह वाह गिनती से बचपन याद आ गया कोई तो दे दलासा कोई तो संभालो हाँ लुडी हे जमालो पाओ लुडी हे जमालो इन्हों पिछो कलावा पालो ले जाओ पिछे मेरा ये है वा कि नहीं है वा ਓਏ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਭਾਰੇ ਆਖਰੀ ਆਖਰੀ ਸਰ ਛੋਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੋ ਹਮ ਤੁਹਾਰੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਛੋਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਆਖਰੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚੱਲ ਹਮ ਤੁਹਾਰੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਮ ਸੇ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲੋ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾ ਲੋ ਪਾਓ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾ ਲੋ ਐ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਪਰੇ ਕਰ ਅਗਰ ਚਲੋ ਸਰਦੇ ਮਹਿਫਲ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪ ਦਾਵਤ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਓਹੋ ਹੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਸਰ ਆਪ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਵੋ ਕਾਰਡ ਕੀ ਮੈਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਜੋ ਨਾ ਉਨਕੀ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਜੀਏਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੋ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅਭੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੂੰ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੋਰਾ ਕਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕੋ ਹਮ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਸੁਣੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਔਰ ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ ਤੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਦੇ ਮਾਪਨ ਬੜਾ ਸਾਵਾ ਕਿਲਾ ਓਏ ਪਰੇ ਕਰ ਅੱਲਾ ਕੁਸ਼ ਕੀ ਓਏ ਗਰਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਹਮ ਮਿੱਠਾ ਓਏ ਓ ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮੋ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਗਿਆ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਘੋੜਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਆ ਹੈ ਹਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਲਣ ਦੇ ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਅਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਆ ਹੈ